हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट डे ऑफ रूल्स सर्वाइवल खेलने वाले हैं। आपको पता होगा मैंने यहाँ पे रैंक सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी खेला हूँ, जो कि ये हम लोग का पांचवा दिन है रैंक सर्वर का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये चौथा दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे को यहाँ पे जो न्यू वाला जो मॉन्स्टर आया हुआ है वो मेरे को मिला हुआ है। ठीक है, नियोन बेस्ट, तो उसको आज मैं यहाँ पे सोलो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे सोलो उसको किल करने वाला हूँ। देखता हूँ उसको किल कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये जो नियोन वीस्ट है ये मेरे को बहुत बार ये मेरे को किल कर चुका है। जब भी मैं यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे रात के टाइम यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करता हूँ, तो उसी टाइम ये मेरे को कहीं कहीं पे दिख जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज ये मेरे बेस के जस्ट पास में स्पॉन हो रखा है, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठा के इसको किल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गेम को स्पीड कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सोलो इसमें किल करने में कितना यहाँ पर परेशानी वगैरह हो वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर वगैरह करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको सोलो में अगर किल करना चाहते हो तो इसका भी मैं आपको छोटा सा कोई ट्रिक आपको बता दूंगा, आप इसको कैसे आप इसको किल कर सकते हो। फिलहाल तो मैं ये जो ट्रैप बेस है ये बना रहा हूँ, ट्रैप बेस। तो आप लोग इस ट्रैप बेस को आपको ये कुछ भी जितना भी ट्रैप बेस वगैरह ये आपको बनाने का कोई भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्रैप बेस अगर नहीं बनाते हो अगर सोलो में, तो आप इसको इजीली भी फिर भी किल कर सकते हो। बट उसको कैसे किल करना है उसी लिए बोलो शुरू से लेकर के एंड तक देखना, तभी आपको वो पता चल पाएगा। तो ये जो ट्रैप बेस है ये बेसिकली ये हमारे किसी काम का नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे फटाफट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको किल कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देख रखा था कि नियोन विश को किल करने के लिए इतना बड़ा बड़ा ट्रैप बेस वगैरह बनाया जाता है। तो इसलिए मैं ये ट्रैप बेस इसको बना रहा हूँ, देखता हूँ कि इसमें इसको कैसे किल कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले फटाफट हम लोग ये ट्रैप बेस को कम्प्लीट करते, उसके बाद नियोन विश को इसमें ग्लिच करते हैं। और नियोन बिस्ट को किल करने के लिए बहुत से सारे लोग यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 टीममेट या उनकी पूरी की पूरी लीजन लग जाती है और नियोन बिस्ट को किल करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको, अगर आप सोलो खेलते हो, ठीक है, तो अगर सोलो में अगर आपको नियोन बिस्ट अगर मिलता है तो उसको कैसे किल करना वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नियोन बिस्ट को अंदर लाने के लिए यहाँ पे छोटा सा मेरे को ये वाला जो डोर फ्रेम का जो एरिया था इसको मैं यहाँ पे तोड़ दिया हूँ। कैबिनेट को यहाँ पे सीधा लगा देता हूँ, जैसे इधर से लेके आऊँगा नियोन बिस्ट को, इधर से आने के बाद सीधा उस डोर के साइड से मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें नियोन बिस्ट में देखते हैं वो ग्लिच हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा लेते, वो देख सकते हो नियोन बिस्ट यहाँ पे मेरे पीछे लग चुका है। तो फटाफट इसके अंदर भागते हैं और इसके बाद इसको इसमें ग्लिच करने का इसको ट्राई करते हैं। ये तो आने को तो आ गया, बट ये यहाँ पे भाई साहब ये पूरा का पूरा ये बाहर ही आ जाता है, बट यहाँ से अंदर जाते वक्त ये यहाँ पे ग्लिच हो जाता है पूरा का पूरा बेसल के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं इसको किल करने के लिए ट्राई किया तो इसके ऊपर डू नॉट क्लोज टारगेट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा, तो ये यहाँ पे किल नहीं हो पाया। बट यहाँ से जैसे नीचे आता हूँ उसके बाद यहीं पर मैं यहाँ पर किल हो जाता हूँ कि, और ये यहाँ से ग्लिच से हट जाता। तो यहाँ पे फटाफट इधर से अंदर के साइड चलते भी आपको दिखाते हैं, देख सकते हो ये फटाफट ये भाग चुका है, तो इसको दोबारा इसको पकड़ के लाते हैं। भाई साहब ये इतना बड़ा है कि ये इसको सामने इतना छोटा छोटा पैर लेके हमको यहाँ पे भागने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, क्योंकि ये पता नहीं कब ये मेरे पीछे आ जाता है और पता नहीं कब ये पीछे भाग जाता है। और यहाँ पे फाइनली ये इस बार तो ग्लिच हो चुका है, तो गेट भी क्लोज हो चुका है, अब वो वापस जाने लग रहा है, तो इसका मतलब ये ग्लिच हो गया। तो यहाँ पे इसको पैक करते, उसके बाद यहाँ पे स्टेयर वगैरह लगाते, फिर इसको ऊपर चल के किल करने का ट्राई करते। इसके ऊपर आई थिंक बॉडी के ऊपर 66 का डैमेज आ रहा है और हेड के ऊपर 99 का डैमेज आता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी बेटर होने वाला है। अगर आपके पास मचेट है तो मचेट आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 4 यहाँ पे मचेट आपका लगने वाला, जो कि यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि इजी को किल करने में आपको यहाँ पे 2 मचेट लगता है और यहाँ पे नियोन बिस्ट को किल करने के लिए आपको 4 मचेट ही केवल चाहिए। भाई साहब यहाँ पे पता नहीं कौन सा ग्लिच होता है कि जिससे कि यहाँ पे नियोन बिस्ट तो जाता है, साथ में ये मेरे को किल भी कर देता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो नियोन बिस्ट है जो कि उधर के साइड था, तो अब मेरे जो मैंने यहाँ पे ट्रैप बेस बना रखा था, अब भाई साहब ये वहीं पे आ चुका है। ठीक है, ये स्पॉन अब वहीं पर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं जा रहा, सीधा मेरे बेस के पास ही घूम रहा है। ठीक है, आपको चल के दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो वो मेरे पीछे यहीं पर पड़ गया था, क्योंकि वह बेस के अंदर ही रह गया है।
इसको किल करने में इतना ज़्यादा परेशानी हुआ जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 मिनट मेरे को यहाँ पे लगा था इसको किल करने में, क्योंकि ये अपना जगह था वो ये चेंज कर लिया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ उसके बाद यहाँ पे इसका मेरे को ये आ जाता है यहीं पे, देख सकते हो। उसके बाद इधर से निकलता है, फिर यहाँ पे ग्लिच हो जाता है, फिर इसको यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे भी हीट देता हूँ जो कि यहाँ पे 66 का इसको डैमेज आता है, बट इतना भी ठीक है। हेड के ऊपर इसको 99 का डैमेज आता है, तो उधर के साइड से भी चल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेड के ऊपर 99 का डैमेज आता है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बहुत बार इसको यहाँ पे ग्लिच से हटता है, इसको ग्लिच करता हूँ। और एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे सिंपल सा इसको ट्रिक एक और मेरे को मिल जाता है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो वो वाला ट्रिक है सिंपल सा, आपको उसमें दो ठो आपको बेसल वगैरह लगाना है, दो ठो वो लगाना है और दो ठो आपको ट्रायंगल सीलिंग आपको लगाना है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको कैसे आपको कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको आगे उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा मेरे पीछे पड़ चुका है, जब मैं यहाँ से भागता हूँ तो इस बार इसका ये पूरा का पूरा ये जगह ही ये पूरा चेंज कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये फिर यहाँ से चेंज कर लेता है, फिर इसके बाद पता नहीं ये कहाँ चला जाता है, बाद में मेरे को ये कहीं और मिलता है। फाइनली जो नियॉन बीस्ट मेरे से गुम हो गया था ये मेरे को दोबारा मिल जाता है, उसी बेस के जस्ट पास घूम रहा था, और इसके बाद ये जाने को मूड में आ जाता है और यहाँ से निकल जाता है, और ये थोड़ी दूर जाके बेस से थोड़े से आगे जाके और वहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जा रहा है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। फिर इसको थोड़ा देर तो इसको टाइम लग जाता है इसको ढूंढने में, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा हील वगैरह करने लगता हूँ, तो इसको देखता हूँ ये कहाँ जाता है। जैसे उधर जाता है उसके बाद ये पूरा का पूरा गायब ही हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे गया, क्योंकि मैं सोचा कि ये तो चला गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करने लगता हूँ, तो जैसे ही मेरे को मिलता है फिर मैं यहाँ पे दोबारा अपने बेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मचेट वगैरह लेके आता हूँ, फिर इसको किल करने लगता हूँ। फाइनली ये मेरे को दोबारा मिल जाता है नियॉन बीस्ट, जिसको मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा का पूरा इसको ट्रैप कर चुका, जो कि यहाँ पे ये मेरा कुछ भी आप नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, क्योंकि ये कुछ दूर पे था। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं इसके सामने ने बेसल लगा दिया, ठीक है, जैसे ही मेरे पीछे भाग रहा था उसके बाद ये बड़ा सा बेसल लगा दिया, तो ये वहीं पे रुक गया और साथ में ये मेरे को किल भी नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे ही ये आगे जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे दो यहाँ पे बेसल लगा दिया, उसके ऊपर दो सीलिंग लगा दिया और दो ट्रायंगल भी लगा दिया। ठीक है, तो उसका मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे को बाद में मिला था। ठीक है, जैसे ही मिला तो मैं इसको किल करना स्टार्ट कर दिया, फटाफट इसको किल कर दिया, देखते इसे लूट वगैरह क्या मिलता है।
और हाँ, जो भी इसका छोटा सा ट्रिक है वो मैं आपको जरूर आपको बता देता हूँ। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए न्योन बीस को अगर सोलो में अगर किल करना चाहते हो तो जैसे आपको ये पीछे पड़ता है जहाँ पे इसका स्पॉन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये स्पॉन हुआ है, ठीक है, वहीं पे जाना है। जैसे उसको अपने पीछे भगाना, उसके जस्ट सामने आपको एक बैसल आपको तुरंत प्लेस कर देना थोड़े से हाइट पे, ठीक है, अपने से थोड़े से हाइट पे प्लेस कर देना। जैसे ही ये प्लेस हो जाएगा आपके सामने बैसल होगा और नियॉन बीस्ट के सामने भी बैसल होगा, ठीक है, दोनों के बीच में गैप होगा बैसल का, तो इसलिए नियॉन बीस्ट कन्फ्यूज होकर वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या काम करना कि एक छोटा सा और बैसल वहाँ पे प्लेस कर लेना उसी के बराबर, ठीक है। जैसे वो प्लेस हो जाएगा उसके बाद स्टेयर वगैरह लगाने के बाद आराम से वहाँ पे एक दो टो सीलिंग लगा लेना। दो टो सीलिंग वगैरह लगाने के बाद हाफ वॉल वगैरह डाल के उसके ऊपर दो सीलिंग और दो ट्रायंगल ऐसा बना लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे उसका स्पॉन जो पॉइंट है वहाँ पे जैसे वो पीछे जाएगा, वो थोड़ी दूर जाने के बाद आगे वो आपके पीछे दोबारा भागेगा, ठीक है। ऐसे आपको पीछे आते जाना है, उसके बाद ये यहाँ पे आकर रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाता है पिस्को आप किल आराम से कर पाओगे। इस भाई साहब को इसको फटाफट इसको किल कर दे क्योंकि इसका ऑलमोस्ट इसका 50% इसका हेल्थ हो चुका है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे दो बंदे का यहाँ पे नेम शो कर रहा है, जो कि दोनों बंदे ऑनलाइन है, वो भी रिपोर्ट में दोनों का नेम शो कर रहा है। कभी एक का करता है कभी एक का नहीं करता, जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो दोनों लोग मेरे आसपास कहीं कैंप वगैरह कर रहे हैं। जैसे मैं इसको किल करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे भी किल हो सकता हूँ। हो सकता है कि मैं आपको लूट वगैरह ना दिखा पाऊँ, पर इसका जो भी ट्रिक है मैं आपको यहाँ पे जरूर आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला भी ट्रिक आपको जरूर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको फटाफट इसको किल करते हैं, देखते हैं इससे लूट वगैरह क्या मिलता है। आई थिंक अब आपको इसको सोलो में इसको किल करना आपको काफ़ी ईजी हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको काफ़ी तक किसी को नहीं पता इसके बारे में, आपको डिटेल से वीडियो भी एक बना दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। फाइनली काफ़ी देर से इसको किल करते करते अब ये फाइनली किल होने वाला, और यहाँ पे इसका मात्र 10% HP है। इसको दो तीन हिट दूंगा उसके बाद ये किल हो जाता है। उसके बाद चेकआउट करते इसे लूट वगैरह क्या मिलता है। जो यहाँ पे किल हुआ था वो मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्मर वगैरह मिल जाता है, बट ये रैंक वाला सर्वर था, मेरे को ये समझ नहीं आया कि जो इसे लूट वगैरह मिला तो यहाँ से मेरे को पॉइंट क्यों नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि रैंक सर्वर में इसका जो पॉइंट का जो सिस्टम था ये लोग हटा दिए,
कि न्यून बिट्स से आपको पॉइंट वगैरह ना मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से पॉइंट वगैरह कुछ नहीं मिला, ओनली जितना भी कंपोनेंट था और साथ में ग्रेनेड लॉन्चर था वही मेरे को मिला, ठीक। जो भी यहाँ पे लूट वगैरह था वो आपने देख लिया होगा। और उसके बाद मैं आया चाहता हूँ यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर सुनो वाला में पर्पल रूम करने के, यहाँ पे फटाफट इसको पर्पल रूम करते कंप्लीट, उसके बाद सीधा बेस चलेंगे। पहले तो अपना रूम चेकआउट कर लेते कि रूम वगैरह है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉम्ब शेल्टर तो पूरा खाली है, बट इसका जो रूम है इसका पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। फटाफट चलते हैं और जनरेटर में यहाँ पे थोड़ा बहुत वायर वगैरह डालते हैं, उसके बाद रूम को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अपने पास इस वाले सर्वर में ऑलमोस्ट यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक तो यहाँ पे टाइटेनियम का जो फर्नेस था वही डायरेक्ट मिल रहा था, और साथ में यहाँ पे दो यहाँ पे टाइटेनियम का फर्नेस वाला जो रेसिपी है वो मिला, जो कि यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया जो कि एक बेस पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ दो की यहाँ पे टाइटेनियम का मेरे को चेस्ट प्लेट मिला हुआ है, और पूरा का पूरा फुल आयरन का सेट भी मिल चुका है, ठीक है। M4 वगैरह तो मैंने बाई वगैरह कर लिया, और AKM किसी बंदे से मेरे को मिला हुआ, ठीक है। जो अभी यहाँ पे लूट वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो सब जो रिकॉर्डिंग वगैरह था वो सारा का सारा क्रैश हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो गेम यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे लैग कर रहा होगा, ठीक है। आपका भी अभी लैग करते हो, जैसे यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट आ जाता है उसके बाद ये काफ़ी गेम लैग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सेमी ऑटो राइफल मिलता है, और साथ में यहाँ पे ऑयल रिफाइनर मिलता है, ठीक है, और एडवांस एमओ चेस्ट से जो टट्टी लूट मिलता है वही है, ठीक है। और यहाँ सप्लाई चेस्ट में तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपोनेंट वगैरह मिल जाता है वही, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो और ये वाला इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को जरूर और पे प्रेस कर देना। मिलते किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जितना भी यहाँ पे फालतू सामान है उसको मैं यहाँ पे डिसमेल्ट कर देता हूँ, उसके बाद निकलूँगा बाय, क्योंकि वहाँ का भी आपका वीडियो पूरा का पूरा क्रैश हो गया मेरा, ठीक है। इसके वजह से मैं आपको आगे का पार्ट नहीं दिखा सकता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे जितना भी मैंने यहाँ पे न्यून बिच का जो भी यहाँ पे ट्रिक वगैरह था वो भी मैं आपको बता दी, और सोलो में मैंने उसको फर्स्ट टाइम उसको किल किया, जो कि यहाँ पे सोलो में काफ़ी अच्छा खासा उसको मैंने यहाँ पे किल कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला भी इन्फॉर्मेशन आपको जो अच्छा लगा होगा। मिलता है किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।